हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी A14 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन में स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो आप स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन में स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने ना एक पेज ओपन होगा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन टैप करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, आप एक बार जो है अपने फोन को रीस्टार्ट जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों, यहां पर आपको कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं, ठीक है, तो आपको अपने मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए हमेशा अपने मोबाइल फोन के साथ वाला जो ओरिजिनल चार्जर होता है उसी का आपको यूज करना है। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी भी दूसरे मोबाइल फोन का चार्जर जो है यूज कर लेते हैं फोन को चार्ज करने के लिए, इससे हमारा फोन जो है ना स्लो चार्ज होता है। क्योंकि देखिए, दूसरे मोबाइल फोन का जो चार्जर होता है वो हमारे फोन को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारा फोन स्लो चार्ज होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखनी है, देखिए कभी भी आप अपने फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं ना, तो फोन को आपको चार्जिंग पे लगाने के बाद अपने फोन को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। काफी सारे लोग जो है अपने फोन को चार्जिंग पे लगाने के बाद उसे जो है इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण मोबाइल फोन स्लो चार्ज होता है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको कुछ और भी प्रोसेस बताता हूं। देखिए दोस्तों, आपको ना अपने फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमारे फोन का ना सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। ठीक है, तो आपके फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है? देखिए, इसके लिए आपको ना सबसे पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज ओपन करेंगे, इसमें आपको नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको इस डाउनलोड इंस्टॉल पे टैप करना है। तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब आपको देखिए दोस्तों, एक काम और करना है। देखिए, आपके मोबाइल फोन का जो चार्जिंग पोर्ट होता है ना, जहाँ पर आप अपने मोबाइल चार्जर का प्लग अपने फोन से कनेक्ट करते हैं, तो आपके फोन का जो चार्जिंग पोर्ट होता है उसे आपको हल्के तो उसे साफ कर लेना है किसी ब्रश से। ठीक है ना, तो दोस्तों यहां पर जो है ना होता क्या है कि हमारे मोबाइल फोन के चार्जिंग पोर्ट में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण भी मोबाइल फोन स्लो चार्ज हो सकता है। तो आपको अपने फोन के चार्जिंग पोर्ट को हल्के हाथों से किसी से भी साफ कर लेना है। ठीक है ना, अब दोस्तों यहां पर जो है सबसे आखिरी प्रोसेस करना यह है कि आपको है ना अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट आपको तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस में से कोई भी प्रोसेस काम नहीं करते, तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है। अदरवाइज फोन को रीसेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपको फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ऑप्शन टैप करना है। यहां पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको टाइप करना है, तो आपको नीचे की साइड ये रीसेट का ऑप्शन शो हो जाएगा, रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन आपको डायरेक्टली ना रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट पे आपको टैप करना है, इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले ना दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा, सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में जितने प्रोसेस मैंने आपको बताए सारे आपको यूज करने, तो इससे आपके फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आपको करना क्या है? देखिए, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पर दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।